कृष्णम जी को आमंत्रित किया है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, आपका शुक्रिया और धन्यवाद। आपकी ज़रूरत थी आज डिबेट में, इसलिए आज आपको कष्ट दिया हम लोगों ने, और आप एक उचित संत हैं जो इस पर रोशनी डाल सकते हैं। कि ये आपने, मुझे उम्मीद है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट सुना होगा, आजकल ये ब्राह्मण उर्फ पंडित, जैसा कि बंसल जी कह रहे हैं, इनका कहना पंडित मतलब ब्राह्मण नहीं, ये आजकल सबके टारगेट में हैं। आपको क्या लगता है, क्या ब्राह्मण जातिवादी है? ब्रिजेश जी, एक तो ये जो सारी चर्चाएं हो रही हैं, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है ये जो ब्राह्मण वाली बात आज मोहन भागवत जी ने कही है, दूसरा पहलू है श्री रामचरितमानस और रामायण का जो अपमान हो रहा है जी। तो ब्राह्मण के विषय में मैं ये बताना चाहता हूं कि आज इस लोकतंत्र में, इस देश के राजनीतिक परिदृश्य पर जब हम नजर डालते हैं, तो ब्राह्मण एक इस तरह का बेचारा निरीह प्राणी है जिसे जो उठ करके जो मर्जी कह दे, कोई इसे बेमतलब, जिसने मनुस्मृति नहीं पढ़ी वो मनुवादी कहता है, जिसने रामचरितमानस और रामायण का अध्ययन नहीं किया वो तुलसीदास को क्या क्या कह रहा है। और ब्राह्मणों की स्थिति ये है कि बीजेपी ये समझती है जैसे ब्राह्मण बंधुआ मजदूर है, और इसे कितनी गाली दो, कितना ही इसको ठोक पीटो, इसके बच्चों को, निरी बच्चों को, 12-12 साल के, 14-14 साल के बच्चों को उठाओ, एनकाउंटर कर दो, तो अभी ये कहाँ जाएंगे। दूसरा, दो दिन की ब्याहता खुशी दुबे को उठा करके 2-2 साल जेल में रखो, तब भी ये ब्राह्मण वहीं रहा। तो ब्राह्मण के विषय में ये भ्रांति हो चुकी है, और इसे मैं भ्रांति नहीं कहता, ये मैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण एक ऐसे बेचारे निरी अवस्था में है इस समय कि उन्हें जो मर्जी गाली दे लो तब भी वो वहीं पड़े हैं। निरी कैसे मोहन भागवत जी, समाज में इनका डोमिनेशन है, हर पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, इनके प्रति जो धारणा रखती है वो भी आपके समक्ष विद्यमान है, और अब तो आरएसएस चीफ का भी। हालांकि बंसल जी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण का मतलब, पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं होता, आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। हाँ देखिए ब्रजेश जी, वैसे तो शास्त्र की उद्घोषणा है कि ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है, जिसको ब्रह्म का बोध है वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा, ब्राह्मण कभी निरी भी नहीं रहा है। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो इक्ष्वाकु वंश के रघुकुल नंदन राजा दशरथ के पुत्र श्री राम को भगवान के रूप में जो सबसे ज्यादा पूजवाने का काम किया वो तो ब्राह्मणों ने किया। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो रावण की पूजा करता, जबकि रावण परम विद्वान था, पराक्रमी था, शिव का अनन्य भक्त था। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो वाल्मीकि को महर्षि का उपाधि और पदवी से कैसे सुशोभित करता। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो संत रविदास जी को महर्षि रविदास, संत शिरोमणि कैसे कहता। ब्राह्मण को निरी समझ लिया है आजकल खास तौर से सभी राजनीतिक दलों ने। उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए, उत्तर प्रदेश में एक तरफ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक पार्टी के मुखिया हैं, दूसरी तरफ मायावती जी हैं, तीसरी तरफ अखिलेश जी हैं जी, और आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उसमें हमारी हमारी पार्टी में भी है, ब्राह्मणों का कहीं नेतृत्व नजर आता आपको? तो इसको थोड़ा राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर अगर रख के हम देखें, जबकि वास्तविकता ये है ब्रजेश जी कि ब्राह्मण जब अपमानित होता है तो वह शपथ लेता है और चाणक्य बनता है और नंद वंश का नाश कर देता है, लेकिन राजा खुद नहीं बनता। एक दासी पुत्र, मुरा नाम की एक दासी के पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाता है, सम्राट बनाता है। ब्राह्मण जब छोटा होता है तो वामन बनता है जो 3 कदम में पूरी पृथ्वी को नाप देता है। ब्राह्मण जब शस्त्र उठाता है तो परशुराम बनता है जी। ब्राह्मण और परशुराम बनने के पश्चात राजा नहीं बनता, उस भूमि को दान में दे देता है, भूमि को छीनता है, भूमि को वापस लेता है, दान में दे देता है। एक आरोप और लग रहा है जो मैंने मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट सुना, मेरी बात को बस पूरा होने दो ब्रजेश जी, बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ आपके चैनल पर, प्लीज। कई महीने बाद ब्राह्मण जब दरिद्र भी होता है तो सुदामा बनता है, जिसके पांव पखारने के लिए त्रिलोकीनाथ कृष्ण को आना पड़ता है। ब्राह्मण को इतना निरी समझ लिया है, और ब्राह्मण जब दान के मुद्रा में आता है तो ददीची बनता है जो अपनी हड्डियों को। आचार्य जी, आप बहुत भावुक हो गए हैं, मेरा मसला ये नहीं था कि मैं आपको ऑफेंड करूं,
लेकिन अब आरएसएस चीफ का बयान है, लेकिन आप इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं? ऐसे राजनीतिक आरोप तो लगते रहते हैं। नहीं, लेकिन आरएसएस चीफ आदरणीय मोहन भागवत जी स्वयं चित्पावन ब्राह्मण है। उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर जो आघात किया है, जो कुठाराघात किया है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इससे मेरी आत्मा तक दुख गई है। ब्राह्मणों को गाली देने वाले कम थे जो एक महामार जी सुन लीजिए बात, आपको टाइम दूंगा, आप अपनी बात सर पूरी रखना। हाँ, ब्रजेश जी, ब्राह्मणों को गाली देने की प्रतियोगिता का ये दौर चल रहा है, पर मुझे बड़ा कष्ट हुआ मोहन जी के जो वक्तव्य से, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। और अगर जी मोहन जी ये कहना चाहते थे जो आदरणीय विनोद बंसल जी कह रहे हैं, तो फिर मोहन भागवत जी को बयान अपनी सफाई में देना चाहिए कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मोहन जी ने तो नहीं कहा। देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में जो मुहिम चल रही है उसका सार समझिए, और कल जो वक्तव्य मोहन जी भागवत जो आप बता रहे हैं उनका आया, काफी सिमिलैरिटी है। मैंने ये सवाल स्वामी प्रसाद जी से किया, अभी जोड़ रहा हूँ, उनको कनेक्ट कर रहा हूँ, डिस्कनेक्ट हो रहा है मैंने, अब आपकी सभा में उन्हें आमंत्रित किया है, इसमें कोई सिमिलैरिटी पाते हैं क्या? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पहला राजनीतिक जो शुरुआत है वो क्या है, उन्होंने बहन मायावती जी के साथ बड़ा लंबा समय बिताया, और माननीय काशीराम जी और आदरणीय बहन मायावती जी ने उन्हें बड़ा सम्मान और शक्ति दी, उन्होंने उन्हें धोखा दिया। उसके बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के साथ, वो मंत्री थे, आरएसएस की विचारधारा उनकी अपनाई। उसके बाद क्या हुआ, आदरणीय अखिलेश यादव जी की समाजवाद की मुख्य धारा में वो अपने आप को कहने लगे। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं है, प्रश्न वह मानसिकता है, प्रश्न वो विकृति है जो समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न करती है। ब्रजेश जी, हम लोग हिंदू हैं, हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग ईसाई हों, हम लोग सिख हों, लेकिन हमें हिंदुस्तानी रहना चाहिए जी। तो ये जो जातियां हैं ये हमारी विशेषताएं हैं, जैसे एक बगीचे के अंदर एक गुलाब का फूल है, एक गेंदे का फूल है, एक चमेली का फूल है, एक दूसरे का, उसके रंग अलग है, सुगंध अलग है, लेकिन हम एक बगीचा हैं। तो जातियां हमारी विशेषताएं हैं, और हम किस जाति में, किस कुल में, किस परिवार में पैदा हुए, हमें उस पर फक्र होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा की इच्छा से होता है, परमात्मा फैसला करता है, ऐसा हम मानते हैं, ये हमारी आस्था है, भले ही हम किसी। मोहन भागवत जी से ये कहना चाहता हूं कि वो इस स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करें, इसका स्पष्टीकरण दें। यदि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है तो स्वयं बोले ना, आदरणीय मोहन भागवत जी का सब सम्मान करते हैं, भले ही उनकी विचारधारा से हम सहमत हों या ना हों जी। और सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य के सर्टिफिकेट की जरूरत किसी को नहीं है, ना तुलसीदास जी को है, ना रामायण को है। उन्होंने तो जो कुकृत किया है, जो पाप किया है, रामचरितमानस को गाली दे करके, जिस तरह तुलसीदास जी का अपमान किया, उनको जोड़ रहा हूं, वो कह रहे हैं कि विलोपित करिए वो लाइनें। मैं करूंगा, नहीं नहीं, क्यों करें, विलोपित करिए मानस। अगर सुनिए सुनिए ब्रजेश जी, पहले बड़ी कायदे से सुनिए बात, ये बड़ा गंभीर विषय, संवेदनशील विषय, ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय। अगर रामचरितमानस को हम एक काव्य मानते हैं तो उसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन रामचरितमानस हमारी आस्था का आधार ग्रंथ है, रामायण हमारी आस्था का आधार ग्रंथ है, रामायण में जो लिखा है उसे हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति, धर्म जो है वो आस्था से चलता है, ये तर्कों से नहीं चलता, और हमारी आस्था किसी तर्क की मोहताज नहीं है। हमें सत्ता मिले ना मिले, लेकिन हम जिस धर्म और जिस राष्ट्र में जन्म लिया है हम उसी में मरना पसंद करेंगे। आचार्य जी शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा।